आज मैं आपको दिखाऊंगा एक लुमिनस का इन्वर्टर जो कि एलबी मॉडल है और उसमें बैटरी पर वायर लगाने के बाद करंट तो आता है लेकिन इन्वर्टर ऑन नहीं हो रहा, तो देखते हैं उसमें क्या प्रॉब्लम है और किस तरह वो सॉल्व करनी है। और दोस्तों मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मेरी वीडियो को शेयर करें। तो चलिए दोस्तों बिना कोई देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मैंने लुमिनस का इन्वर्टर और मैंने बैटरी से कनेक्ट करने वाला हूँ कनेक्ट कर दिया है, और मैं जैसे ही स्विच ऑन करता हूँ तो इन्वर्टर ऑन नहीं होता, स्विच का सिग्नल चला जा रहा है, स्विच ऑन हो चुका है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं स्विच से ऑन हो से एलईडी हो रही है और इन्वर्टर ऑन नहीं हो रहा है। तो पीसीबी को बाहर निकाल कर देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। दोस्तों पीसीबी को बाहर निकाल लेते हैं, और जितने में पीसीबी बाहर निकाल रहा हूँ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मैं इसकी बहुत ही एक अच्छी आसान ट्रिक आपको बताने वाला हूँ, जो बहुत ही इजीली इस तरह की जो प्रॉब्लम होती है उसका सॉल्यूशन मैं आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों हमने पीसीबी को बाहर निकाल लिया है और आगे का स्टेप मैं आपको बताने वाला हूँ। आपको सिंपली कार्ड बाहर निकाल लेना है और इसका एलईडी का जैक लगा लेना है, और ये स्विच भी इसके साथ कनेक्ट कर देना। स्विच को कनेक्ट करने के बाद इसमें डीसी 12 वोल्ट कनेक्ट कर ले। और आपको सिंपली इस तरह की चिमटी लेनी है, स्विच को ऑन कर देना है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं अभी तक इन्वर्टर ऑन नहीं हो रहा है, तो ये स्विच वाला जो जैक है ये इस पर एक रेजिस्टेंस लगी हुई होती है 4.7 ओम की, इसे शॉर्ट करना है। और शॉर्ट करते ही जैसा कि आप लोग देख सकते हैं इन्वर्टर ऑन हो चुका है, बिल्कुल अच्छी तरह वर्क कर रहा है। ठीक है दोस्तों, ये केवल सिंपल सा स्टेप आपको करना है और आपका इन्वर्टर बिल्कुल ओके हो जाएगा। इस होता है कि माइक्रो आई से हैंग हो जाती है, उससे रिफ्रेश हो जाती है केवल शॉर्ट करने से, केवल एक बार हल्का शॉर्ट करना है और सेट आपका ओके। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा ये वीडियो, मेरी ये ट्रिक? यदि अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। दोस्तों इस सिंपल से स्टेप से आज मैंने आपको इन्वर्टर ओके करके दिखाया। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं इन्वर्टर बिल्कुल अच्छी तरह से वर्क कर रहा है और स्विच भी पूरी तरह से वर्क कर रहा है, और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं आउटपुट भी शो हो रही है। तो दोस्तों यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, और भी इलेक्ट्रीशियन या इलेक्ट्रॉनिक्स मिस्त्रियों को पता चल सके कि ऐसा भी हो सकता है। नहीं तो अधिकतर होता क्या है कि इसकी माइक्रो आईसी ही चेंज करनी पड़ती है। स्मार्ट चार्जिंग मतलब चार्जिंग भी इसके ओके हो चुकी है, तो सेट बिल्कुल ओके है। तो दोस्तों कैसा लगा ये मेरा आसान सा ट्रिक? यदि ट्रिक अच्छी लगी हो, मेरा काम अच्छा लगा हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।